प्रगति रस्तोगी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, मेरठ कॉलेज मेरठ, एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग जियार्डिया लैमब्लिया। एज वी नो दैट जियार्डिया लैमब्लिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोअन पैरासाइट ऑफ मैन विच हार्बर्स द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड हिज पेट एनिमल्स। जियार्डिया इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट्स इन एग्जिस्टेंस, और कुछ लोगों के हिसाब से आप इसको एक मिसिंग लिंक मान सकते हैं इवोल्यूशन में, फॉर द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि जियार्डिया में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ये पहला है वो यूकैरियोटिक सेल है जो कि ऑब्जर्व किया गया था किसी एक अच्छे माइक्रोस्कोप के द्वारा, जो कि एंटोइन वॉन ल्यूएनहॉक ने डेवलप किए थे। ल्यूएनहॉक ने इसको बोला एनिमल क्यूल, क्योंकि जब हम इसका डायग्राम या इसकी इमेज देखते हैं तो वी ऑब्जर्व दैट इट रिजेंबल्स द फेस ऑफ सम एनिमल। दिस इज अ वाटरबॉर्न पैथोजन एंड एन इम्पॉर्टेंट इंटेस्टाइनल पैरासाइट इन ह्यूमन बींग्स। इफ यू टॉक अबाउट द सिस्टमैटिक पोजिशन ऑफ दिस पैरासाइट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय फिलिस रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल वेरिएशंस, थ्री ग्रुप्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर जियार्डिया। द फर्स्ट वन इज द एम्फीबियन जियार्डिया स्पीशीज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी एजाइलिस। एंड ये वाले जो जियार्डिया स्पीशीज हैं, दीज आर कॉमन इन एम्फीबियंस। देन देयर इज द म्यूरिस ग्रुप, म्यूरिस ग्रुप represents the Giardia species which are found in rodents and birds, and this is represented by Giardia muris. And the last one is the intestinalis group. This group represents the Giardia species which have been recovered from a vast variety of mammals, which includes human beings and some of the birds and reptiles, and this is represented by the species Giardia duodenalis. And now there is some disagreement regarding the names intestinalis and lamblia. The species is known as intestinalis because its site of infection is intestine, and lamblia after the worker. But both of these names are prevalent till date, and we call the species as Giardia intestinalis or Giardia lamblia, and both are correct. But Meyer, an important taxonomist, he prefers to use Giardia duodenalis, which is often followed by the name of the animal from which the organism was obtained, because Giardia is found in the duodenum of man. Now the history of this parasite. This parasite was discovered by Leeuwenhoek in 1681 in his own stool specimens, but it was described for the first time in 1859 by Lamble. This organism named after Professor A. Giard of Paris and Dr. F. Lamble of Prague. Giardia lamblia resides in the duodenum and the upper part of jejunum of man. As far as geographical distribution of this parasite is concerned, this parasite enjoys cosmopolitan distribution. That means it is found all over the world, but it is more prevalent in warmer tropical climate as compared to the cold climate, and it is more prevalent in children. ये सबसे ज़्यादा commonly diagnosed होने वाला flagellate है intestinal tract में, और सबसे ज़्यादा commonly diagnosed intestinal protozoan है in some areas of the world. इसका जो हैबिटेट है, ये मैं पहले भी बताया है मैंने अभी आपको, कि जियार्डिया लैम्बलिया इट रिजाइड्स इन द ड्यूडेनम एंड द अपर पार्ट ऑफ जेजुनम ऑफ मैन। एज फार एज मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस पैरासाइट इज कंसर्न, द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स टू स्टेजेस, द ट्रोफोजॉइट एंड द सिस्ट। ट्रोफोजॉइट, दीज आर ट्रोफोजॉइट्स आर टीयर ड्रॉप शेप्ड और द पायरीफॉर्म शेप। पायरीफॉर्म इज द पियर शेप या नाशपाती के आकार का होता है। इसका जो एंटीरियर पोर्शन है दैट इज ब्रॉड, वेयर एज द पोस्टीरियर पार्ट इज पॉइंटेड। इसमें एक वेंट्रल साइड पे एक एडहेसिव डिस्क होती है जो कि इसकी आधी से थोड़ा सा कम, इसकी जो सेल है क्योंकि ये प्रोटोजोअन है तो इसके सेल का आधे से कम हिस्सा ये वेंट्रल एडहेसिव डिस्क के द्वारा ऑक्यूपाइड रहता है। बाई न्यूक्लिएट होती है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मोटाइल है, दैट मीन्स बहुत एक्टिव मूवमेंट शो करता है ये।
इसका जो साइज है दैट वेरीज बिटवीन 10 to 20 माइक्रोन इन लेंथ एंड 5 to 15 माइक्रोन इन डायमीटर। और मूवमेंट के लिए इट हैज फोर पेयर्स ऑफ फ्लैजेला, देयर आर टू एक्सोनीम्स एंड टू मीडियन बॉडीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। नाउ कमिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ट्रोफोजॉइट, एज वी कैन सी हेयर द बॉडी ऑफ द पैरासाइट इज टीयर ड्रॉप शेप और पायरीफॉर्म और पियर शेप। वी कैन सी देयर आर टू लार्ज न्यूक्लियस विच आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी और द सेल, देन फोर पेयर ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑफ विच सम आर डॉर्सल एंड टू ऑफ देम आर वेंट्रल, एंड वी कैन सी दैट ऑन द वेंट्रल साइड अ सर्क्यूलर और ओवल वेंट्रल डिस्क इज प्रेजेंट। A pair of basal bodies are attached to the part to the basal part of the flagellum or the flagella. A pair of sickle-shaped median bodies are also present, and we can see here there is a pair of anterior flagella, then there is a pair of posterior flagella, then a pair of caudal or the tail flagella, and a pair of ventral flagella are present. When we view this parasite from the lateral side, we will find that this parasite resembles the curved portion of a spoon like this. The concave side is the ventral side of the parasite. And when this parasite attaches to the intestine, it attaches on the villi of the intestine, and the attachment leaves the disc impression. The circular impression that you can see here is the impression which is left by the ventral disc of the parasite. So the trophozoites, these are attached to the epithelium of the host villi by means of ventral disc, and the exact site of attachment is the crypts within the duodenum. And as I have said earlier, the attachment leaves disc impression prints, and trophozoites, they may remain attached to the mucosa, to the intestinal villi, or they may be detached from the mucosal surface. The trophozoites are detached when the epithelial surface sloughs off the tip of the villus every 72 hours. हर 72 घंटे में जो epithelial surface है intestinal villi का, वो wash off होता है या वहाँ से उतर जाता है, जिसके साथ साथ trophozoites भी कई दफा हट जाते हैं. Now the cyst, जो इसकी सिस्ट होती हैं, ये इलिप्सॉइड या ओवल शेप की होती हैं, और सिस्ट में भी ऑर्गेनालीज के दो सेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो की जगह यहाँ पे चार न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे. और जो सिस्ट है, ये कई दफ़ा जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो दे माइट अपीयर समवॉट श्रंकन, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ नज़र आता है. सिस्ट की लेंथ होती है 8 से 14 माइक्रॉन या 8 to 14 माइक्रॉन, एंड विड्थ होती है 7 to 10 माइक्रोन. जो इसकी लेटरल साइड्स हैं, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर ये राउंडेड होती हैं. अगर लाइव सिस्ट हम रिकवर कर पाते हैं तो वो मोटाइल होती हैं, लेकिन इसमें जो मूवमेंट होता है वो केवल बहुत एक हल्का सा फ्लटर की तरीके से, जस्ट एक हल्की सी वेव की तरीके से देखा जा सकता है. The cytoskeleton of this parasite consists of four organelle systems which are composed of microtubules. जैसे कि हमें पता है कि flagella और cilia में अंदर microtubular arrangement होता है, तो वो ये microtubules जो है ये इसका cytoskeleton बनाते हैं. सबसे पहले ventral disc. Ventral disc में microtubules होते हैं, और यहाँ से जो microtubules हैं ये dorsal side की तरफ जाते हैं. Then basal bodies, exonemes are a part of the inner structure of flagella, and साथ ही साथ जो flagella है वो भी इसके cytoskeleton का part होते हैं. Then basal bodies are situated at the base of the flagella, and together with these the fibrils associated with caudal exonemes. जो caudal flagella है उसके साथ associated जो caudal exonemes हैं
वो फाइब्रिल्स भी इसके साइटोस्केलेटन का एक पार्ट होते हैं। वेंट्रल डिस्क इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि इसको हेल्प करता है इंटेस्टाइनल विलाय के साथ अटैच होने के लिए। और इसमें से माइक्रो रिबन्स जो हैं हर एक ट्यूब्यूल में से डॉर्सली साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं, और माइक्रो रिबन्स जो हैं इनमें एक यूनिक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं जियार्डिन। और ये जो डिस्क होती है, जो वेंट्रल डिस्क है, जब जियार्डिया सिस्ट बनाता है उस समय ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है या इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। जो लाइफ साइकिल है जियार्डिया की, जियार्डिया बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। ये आप एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देख रहे हैं जियार्डिया का, जिसमें कि ये स्प्लिट हो रहा है जियार्डिया का ट्रोफोजॉइड। और ट्रोफोजॉइड क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलोनाइज करते हैं, वहीं पर ये म्यूकोसा के साथ अटैच हो जाते हैं। दो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो है सिस्ट। सिस्ट जो होती हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रति रेजिस्टेंट होती हैं, और साथ ही साथ दीज आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू स्टमक एसिड्स। एंसिस्टेशन जो होता है, यानी कि जो सिस्ट बनने का प्रोसेस है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पोस्टीरियर पार्ट में होता है। और इसके लिए ट्रोफोजॉइड्स जो हैं वो राउंड अप हो जाते हैं, जो इनकी टीयर ड्रॉप शेप्ड शेप है वो धीरे धीरे वो लंबा कम होता जाता है और थोड़ा गोलाकार हो जाता है। दे लूज देयर मोबिलिटी और ये रिफ्रेक्टाइल हो जाते हैं। जब इनके सिस्ट वॉल डेवलप हो जाती है तो ये रिफ्रेक्टाइल हो जाते हैं, लेकिन ये जब सिस्ट प्रॉपरली डेवलप होती है ये तभी होता है। माइक्रोस्कोप में अगर हम इसको देखते हैं तो कुछ एंसिस्टेशन स्पेसिफिक सीक्रेटरी वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है ट्रोफोजॉइड के अंदर, तो ये माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं। सिस्ट वॉल का जो बनना है वो 44 से 70 घंटे के अंदर ये पूरा हो जाता है। और सिस्ट वॉल जो इनिशिएट होती है, दिस इज इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि बाइल जूसेस जो है दीज आर ये जो है बाइल जूसेस सीक्रीट होते हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ द इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड व्हेन दीज बाइल जूसेस दे रीच द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल इज इनिशिएटेड। एंड एक्सिस्टेशन जो होता है ये तब होता है जब किसी प्रकार से जो ये सिस्ट हैं ये वापस मुंह में आती हैं और फिर ये स्टमक में पहुंचती हैं, और जैसे ही स्टमक से नीचे उतरती हैं सिस्ट तब इसका एक्सिस्टेशन होता है, यानी कि सिस्ट इनकी रप्चर हो जाती है। ये माना जाता है कि जो स्टमक में लो पीएच होता है बिकॉज ऑफ द एसिडिक मीडियम प्रेजेंट इन द स्टमक, दिस एक्ट्स एज अ ट्रिगर फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सिस्टेशन। और इनक्यूबेशन जो पीरियड जो है फ्रॉम द इजेशन और इंजेशन ऑफ द सिस्ट इज अप टू 1 to 3 weeks, जब तक कोई सिम्टम बीमारी के आएंगे। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो इन्फेक्टिव सिस्ट जो है वो स्टूल में पास आउट हो जाती हैं, और ये स्टूल अगर ये किसी वाटर बॉडी को इन्फेक्ट करता है या ये नाइट सॉइल इस्तेमाल होती है फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ फील्ड्स, तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ या फ्रूट्स के साथ या प्लेग्राउंड्स में जहाँ पे बच्चे खेलते हैं या पानी के साथ, क्योंकि बेसिकली ये वाटर बॉर्न डिजीज है, उससे ये मुँह में जाता है। और मुंह में जब ये सिस्ट इंजेस्ट हो जाती है तो ये धीरे धीरे पहुंचती हैं स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती हैं सिस्ट, तो क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम रहा है पहले से, तो वो एसिडिक मीडियम एक ट्रिगर का काम करता है फॉर द एक्सिस्टेशन ऑफ द सिस्ट। जब ये सिस्ट एक्सिस्ट हो जाती हैं तब यहाँ से ये ट्रोफोजॉइड निकलता है, और ट्रोफोजॉइड्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं और फिर बाइनरी फिशन के द्वारा ये मल्टीप्लाई होते हैं इंटेस्टाइन में ही। और क्योंकि 72 घंटे में म्यूकोसा लेयर जो है इंटेस्टाइन का, एपिथेलियल लेयर इंटेस्टाइन का, जो स्लाव ऑफ होता है या वहां से उतर जाता है झिल्ली के रूप में, उसके साथ साथ ये ट्रोफोजॉइड्स भी उतर जाते हैं। और जब ये लेयर जो है ये इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है, उस समय बाइल जूसेस की प्रेजेंस में सिस्ट डेवलप होती हैं, और ये और कई बार ट्रोफोजॉइड्स एंसिस्ट नहीं भी करते हैं तो भी ये दीज आर पास डाउन थ्रू द रेक्टम टू द एनस, और वहां से सिस्ट और ट्रोफोजॉइड्स दोनों ही पास आउट होते हैं,
लेकिन जो ट्रोफोजोइट्स हैं ये बाहर एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, सिस्ट क्योंकि रेजिस्टेंट है तो ये सर्वाइव करती है और काफी समय तक ये बनी रहती है एनवायरनमेंट में। जो इन्फेक्शन की एपिडेमियोलॉजी है या कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन आर, अगर अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा या एनिमल एक्सक्रीटा किसी भी वजह से ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो रहा है देन इट कैन लीड टू इन्फेक्शन। और द सेकेंड रीजन फॉर इन्फेक्शन में भी ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर, अगर आप किसी वाटर सोर्स से, फॉर एग्जाम्पल रिवर है, कोई स्ट्रीम है या कुआं है, वहां से देखने में साफ पानी है लेकिन अगर वो प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं है, अगर आप उस पानी को पीते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। जो तीसरा रीजन है इन्फेक्शन का या कॉज ऑफ इन्फेक्शन है, जब आप अपने पेट एनिमल्स के साथ या स्ट्रे एनिमल्स के साथ आपका क्लोज कॉन्टैक्ट होता है और आप उनसे खेलने के बाद बिना हाथ धोए या आप कुछ भोजन ग्रहण करते हैं या आप उनसे खेलने के बाद हाथ नहीं धोते हैं और एक्सीडेंटली आपका हाथ जो है अपने मुंह में चला जाता है, उससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। जो चौथा कारण है इन्फेक्शन का वो है अगर आप फलों को और सब्जियों को, जो भी आप प्रोडक्ट आप मार्केट से लेकर के आते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए या कोई भी सैलड वेजिटेबल्स हो गए, आप अगर इनको अच्छे से धोए बिना, इनको अच्छे से साफ किए बिना अगर आप इनका उपयोग करते हैं, इनको खाते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। जो अगला रीजन है इन्फेक्शन का वो है जब बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में या अनहाइजीनिक कंडीशंस में बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसा तब होता है जैसे कि स्लम एरियाज में, झुग्गी झोपड़ी में, या डे केयर सेंटर्स में जहाँ पे बच्चे बहुत सारे होते हैं, या रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह में जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, गंदगी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी होता है। और जो अगला कारण है वो है फीकल ओरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ऑफ होमोसेक्सुअल्स। जो होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर उनमें फीकल ओरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं तो उसकी वजह से भी जियार्डिया इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो पैरासाइट है मुंह में आने के बाद, जो इसका अल्टीमेट जो टारगेट ऑर्गन है दैट इज द अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर ये एंटीरोसाइट्स या एंटीरोसाइट्स कहते हैं जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं उनको एंटीरोसाइट्स बोलते हैं, तो वहां पे ये विलाए में या माइक्रोविलाए में एंटीरोसाइट्स के ऊपर अटैच हो जाता है और वेंट्रल डिस्क की मदद से ये वहां पर चिपक जाता है और उसके अंदर थोड़ा सिंक डाउन हो जाता है, यानी कि उसमें धंस जाता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है या क्लिनिकल सिम्टम्स जो जियार्डियासिस के हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। कुछ एसिम्टोमेटिक केसेस हो सकते हैं जिसमें इन्फेक्शन है लेकिन कोई सिम्टम नहीं होता है, या क्रोनिक डायरिया हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस होते हैं या वॉमिटिंग्स होती हैं लेकिन वो प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हो पाता है, और साथ ही साथ माल एब्जॉर्प्शन होता है कि खाना प्रॉपर खा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो एब्जॉर्प्शन उसका प्रॉपर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज द सुपरफिशियल इन्वेजन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड एपिथेलियल सेल्स। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसमें ये अंदर अच्छे से धंस जाता है और एपिथेलियल सेल्स में भी धंस जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि विलाए जो होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, वो छोटी हो जाती हैं, और कभी कभी विलाए जो है वो इतना ज्यादा इन्फेक्शन होता है कि विलाए जो है फ्लैट हो जाती हैं। जियार्डिया ट्रोफोजॉइट्स की वजह से विलस में एज सच बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स हैं, इसका सोर्स है हैंसन वेंडी एंड फ्लेचर, हैंसन वेंडी एंड फ्लेचर एंड डेनियल इन 2008। तो यहाँ पर ये जो छोटे इसमें आप देख रहे हैं जो रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लोरोसेंट डाई से डाई करा हुआ जियार्डिया के स्पेसिमेंस हैं। ये जो है ये माइक्रोविलाए हैं इंटेस्टाइन के, और एक ये एनलार्ज्ड व्यू आप देख रहे हैं कि वेंट्रल डिस्क की सहायता से जियार्डिया यहाँ पे अपना इसमें विलाए के बीच में अटैच हुआ हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर ये बहुत सारे जियार्डिया आपको इन द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्ट, ये सरफेस ऑफ द विलाए, ये विलाए का सरफेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड देन ये इस डायग्राम, इस माइक्रो फोटोग्राफ में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जियार्डिया अटैच था तो वेंट्रल डिस्क की वजह से आप ये देख सकते हैं कि विलाए में कितना चेंज आ जाता है, ये थोड़ी सी फ्लैटन अप हो जाती है माइक्रोविलाए, लेकिन जब यहाँ से ये हट जाता है तो उसके बाद इसकी हीलिंग भी हो जाती है। तो
यहाँ पे जो वेंट्रल डिस्क है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन द अटैचमेंट ऑफ दिस पैरासाइट टू द होस्ट, और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इस प्रोसेस के मुख्य कारक या मीडिएटर्स होते हैं। वेंट्रल डिस्क जो होती है जैसे एक तार का एक गोल घेरा या रिम होता है उसकी सहायता से अटैच करती है एंड ये डिसरप्ट कर देती है इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई के आर्किटेक्चर को। ये जो है एक सक्शन कप की तरीके से काम करती है जिसकी सहायता से ये इंटेस्टाइन में अटैच हो जाता है। और तीन पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं जिसके कारण जियार्डिया अटैच हो जाता है। सबसे पहला है कि जो सक्शन फोर्स जेनरेट होता है वो वेंट्रल डिस्क के द्वारा जेनरेट होता है, और वेंट्रल फ्लैजला जो है एक प्रोपल्शन फोर्स या क्रिएट करता है। वेंट्रल फ्लैजला जो है वो हिलते हैं तो उससे एक एयर करंट की तरीके से बन जाता है जिसकी वजह से एक सक्शन फोर्स डेवलप होती है वेंट्रल डिस्क के नीचे। दूसरा है कि मैकेनिकल प्रोसेस जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एलिमेंट्स होते हैं वेंट्रल डिस्क के और वेंट्रोलेटरल फ्लांज या फ्लैजलम के, उसकी वजह से मैकेनिकल प्रोसेस से ये अटैच होता है। या तीसरा है कि सरफेस मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स होते हैं जो कि होस्ट सेल एपिथीलिया पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वो जिनके साथ जो सरफेस मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स हैं वो बाइंड करते हैं और इसकी वजह से अटैचमेंट हो सकता है। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स ऑफ जियार्डियासिस, सिम्टम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है एक्यूट और एक है क्रोनिक। जो एक्यूट जियार्डियासिस है उसमें सीवियर डायरिया होगा, डायरिया में लूज मोशंस होंगे और वॉमिटिंग्स होती हैं। जबकि जो क्रोनिक डायरिया है उसमें माल एब्जॉर्प्टिव डायरिया हो, क्रोनिक का मतलब होता है कि जो बहुत लंबे समय तक चलता है, इसमें बीच बीच में लूज मोशंस हो सकते हैं, माल एब्जॉर्प्टिव डायरिया हो सकता है, नौशिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है और एब्डोमिनल पेन होता है। तो जो सिम्टम्स हैं जियार्डियासिस के, जो सबसे पहला कॉमन सिम्टम है दैट इज डायरिया, देन देयर कैन बी एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज्यादा दर्द और ऐंठन हो सकती है, देयर कैन बी फैटीग या बहुत ज्यादा थकान हो सकती है, देयर कैन बी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है पेशेंट को, और बिकॉज देयर इज फैटीग, देयर इज एब्डोमिनल पेन और एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से नहीं होता है इस समय, तो उसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। देयर कैन बी ब्लोटिंग, ब्लोटिंग इज अफारा जिसको कहते हैं, या गैस बनती है, देयर कैन बी ब्लोटिंग एंड देयर कैन बी नोशिया या वॉमिटिंग एंड फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस इज अगेन जो गैस बनती है या अफारा होता है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल्स के रेगुलर सैंपल्स लिए जाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ। कम से कम 6 से 5, 6 या कभी कभी 7 स्टूल सैंपल्स भी एग्जामिन करने पड़ सकते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और क्योंकि ये हर 72 घंटे में जो इंटेस्टाइनल विलाय का एपिथीलियल लेयर है वो स्लाव ऑफ होता है, इस वजह से ये साइक्लिक बेसिस पर पास डाउन होते हैं स्टूल में। तो डायग्नोसिस के लिए एंटीरो टेस्ट कैप्सूल्स आते हैं वो रिकवर करने में सहायक होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को, या डायरेक्ट डियोडिनम से एस्पायरेट ले सकते हैं, वहाँ से हम ऑर्गेनिज्म को रिकवर कर सकते हैं। वेट स्टूल प्रिपरेशन में सिस्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और स्ट्रिंग टेस्ट या एंटीरो टेस्ट अगर करते हैं तो कई बार डियोडिनल एस्पायरेट से भी म्यूकस लेते हैं, तो उसको भी वेट प्रिपरेशंस में ही स्टडी करना चाहिए फॉर टू स्टडी द मोटिलिटी ऑफ द सिस्ट एंड द ट्रोफोजॉइट्स व्हिच आर पास डाउन। इम्यूनो डिटेक्शन भी कर सकते हैं, उसके लिए इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे है एलिजा, और उस जियार्डिया और एंटीजन जो फीसीज में जो जियार्डिया एंटीजन होता है उससे भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्लोरेसेंट मेथड कैन बी यूज जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज किया जाता है, एंड कार्ट्रिज फॉर्म में टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल जिसमें कि जियार्डिया लैम्बलिया डिस्कवर किया जा सकता है। जब लेबोरेटरी डायग्नोसिस होता है जियार्डिया लैम्बलिया का तो उसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो है कि ऑर्गेनिजम्स जो है 1, 2, 3 सैम्पल्स में भी हो सकता है कि रिकवर ना हो या आइडेंटिफाई ना हो, तो कम से कम 3 स्टूल सैम्पल्स जो है वो सीरीज ऑफ स्टूल सैम्पल्स शुड बी एग्जामिन करेक्टली। और
जब स्टूल सैंपल को एग्जामिन करते हैं तो उसमें परमानेंट स्टेन स्मियर जरूर बनाना चाहिए, चाहे फॉर्म्ड स्टूल्स हो उसमें भी परमानेंट स्टेन माउंट या स्लाइड जरूर बनानी चाहिए। और मोटिलिटी टेस्ट करना चाहिए वेट प्रिपरेशंस में, अदरवाइज, और कई बार मोटिलिटी टेस्ट में ऑर्गेनिजम्स क्योंकि म्यूकस में फंसे रहते हैं तो उनको देखना मुश्किल हो जाता है। देन ड्यूओडेनल ड्रेनेज या एस्पायरेट जो लिया है या एंटीरो टेस्ट कैप्सूल यूज किया है तो ये इस सहायक हो सकते हैं इसकी जांच में। और लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छा जो टेस्ट है दैट इज द ओवा एंड पैरासाइट एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टूल सैंपल। इसके ट्रीटमेंट के लिए यू कैन यूज मेट्रोनिडाजोल फॉर 5 to 7 days। मेट्रोनिडाजोल के साइड इफेक्ट्स हैं कि इससे नौशिया होता है और मुंह में एक मेटालिक टेस्ट ये छोड़ता है। साथ ही साथ ये मेट्रोनिडाजोल जो है दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वेमेन। इसकी जगह दूसरा जो ट्रीटमेंट है दैट इज टिनिडाजोल। अधिकतर ये सिंगल डोज में ही इफेक्टिव हो जाता है, उसके बाद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चों के लिए निटाजोक्सानाइड होती है, ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है और ये केवल 3 दिन के लिए लेनी पड़ती है। पेरोमोमाइसिन जो है दिस हैज अ लोअर चांस ऑफ कॉजिंग बर्थ डिफेक्ट्स, तो दिस कैन बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन, बट एनी मेडिसिन शुड बी अवॉइडेड इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। जो पैरामोमाइसिन है इसके 3 डोज दिए जाते हैं 5 से 10 दिन के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्यूराजोलिडोन, ये अगला ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि ये म्यूटाजेनिक है और कार्सिनोजेनिक है दैट मीन्स इसकी वजह से म्यूटेशंस और कैंसर जो है वो डेवलप हुआ है माइस में, तो इस वजह से इसको भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा जिंक फिंगर प्रोटीन्स जो है दे हैव ऑल्सो प्रूव टू बी इम्पॉर्टेंट, और क्योंकि ये नॉर्मल सेलुलर फंक्शन और डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए भी जरूरी होता है। जीआरडिया में बहुत सारे सरफेस लोकेटेड जिंक फिंगर प्रोटीन्स होते हैं जो कि जिंक फिंगर एक्टिव कंपाउंड्स के लिए ससेप्टेबल होते हैं, और इनमें से काफी सारे कंपाउंड्स के ऊपर की एंटी पैरासिटिक एक्टिविटीज जो हैं वो चेक भी की गई हैं एंड दे हैव टेस्टेड गुड। इनमें से एक है 300 JLM, और ये इनहिबिट करता है जियार्डिया की ग्रोथ को। देन द प्रिवेंशन, इसका जो प्रिवेंशन है वो इट कैन बी डन बाय प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन। जब भी आप बाहर से आए सबसे पहले अपने हाथ और मुंह अपना बहुत अच्छे से पानी और साबुन से धोएं, एंड स्पेशली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड बिफोर हैंडलिंग और ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले, बाहर से आने के बाद या आप वॉशरूम जाते हैं तो जरूर हाथ धोने चाहिए, और पर्टिकुलरली अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो उसे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हैंड्स शुड बी वॉश्ड केयरफुली आफ्टर एवरी डायपर चेंज। अगर आप छोटे बच्चों के साथ या डायपर एज बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो बच्चों का डायपर चेंज करने के बाद एवरी टाइम हाथ जरूर धोना चाहिए, चाहे आप ग्लव्स भी पहन के करें लेकिन फिर भी हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया यू शुड नॉट स्विम इन द पब्लिक पूल्स, और पर्टिकुलरली बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं पूल में भेजना चाहिए। दूसरा है बाय अवॉइडिंग कंटेमिनेटेड वाटर। जब आप रिक्रिएशनल वाटर जैसे कि स्विमिंग पूल का पानी है अवॉइड करना है उसको कि किसी भी तरीके से वो मुंह में ना जाए, और साथ ही अवॉइड करना है टू ड्रिंक अनट्रीटेड वाटर। अनट्रीटेड वाटर नहीं पीना चाहिए, चाहे वो वेल्स का हो, लेक्स का हो, रिवर्स, स्प्रिंग्स, पूल्स एंड स्ट्रीम्स या हैंड पंप का हो, तो अवॉइड करना चाहिए। और अगर कम्युनिटी वाइड आउटब्रेक है किसी भी डिजीज का तो भी अनट्रीटेड वाटर नहीं पीना चाहिए। अवॉइड यूजिंग आइस और ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर व्हेन ट्रैवलिंग इन कंट्रीज वेयर द वाटर सप्लाई माइट बी अनसेफ, तो बाहर का बर्फ नहीं खाना चाहिए। एंड अगर आप किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं यूजिंग द अनट्रीटेड वाटर तो आप उसको अपने आप ट्रीट कर लीजिए। आप उसको गर्म कीजिए और 1 मिनट तक उसको, कम से कम जब उसमें उबाल आ जाता है उसको 1 मिनट तक उबालिए। और उसके अलावा यू कैन यूज अ फिल्टर जिसका जो पोर साइज है दैट इज 1 माइक्रोन और लेस, या जो कि एनएसएफ
रेटेड है फॉर सिस्ट रिमूवल। अगर इनमें से कोई भी तरीका यूज नहीं किया जा सकता है देन यू देयर कैन बी केमिकल इनएक्टिवेशन ऑफ जियार्डिया बाय क्लोरिनेशन और आयोडिनेशन। लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि ये केमिकल इनएक्टिवेशन जो है ये डिपेंड करता है ऑन पीएच एंड टेम्परेचर एंड ऑल्सो ऑन द टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस ऑफ वाटर। अगला तरीका जो प्रिवेंशन का है दैट इज बाय अवॉइडिंग कंटामिनेटेड फूड। जो भी भोजन आप करते हैं अगर आप रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा रहे हैं दे शुड बी वॉश प्रॉपरली एंड कोशिश कीजिए कि उनका छिलका उतार करके खाएं एंड दे शुड बी वॉश्ड विद अनकंटामिनेटेड वाटर। और बाहर जब आप घर से जाते हैं तो अवॉइड ईटिंग अनकुक्ड फूड। जब नाउ दीज आर द सजेस्टेड रीडिंग्स और रेफरेंसेस। दिस इज बुक ऑन पैरासाइटोलॉजी और मेडिकल जूलॉजी बाय रस्तोगी पब्लिकेशंस। Then there is this paper, Transmission of Epidemiology of Zoonotic Protozoal Diseases of Companion Animals. And this paper, Attachment of Giardia lamblia trophozoites to a Cultured Human Intestinal